हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, हम डेली बेसिस पे स्टॉक एनालिसिस करते हैं और उसी लेवल पे हम अपना व्यू बनाते हैं बाइंग और सेलिंग का। और इसका जो लेवल है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देते हैं। तो आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े, नहीं ऐड हुए हैं तो ऐड हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो चलिए हम इंट्राडे के लिए स्टॉक एनालिसिस करते हैं। तो इंट्राडे के लिए जो हमारे पास पहला स्टॉक है वो है गाइस हमारा एलटी। और अगर आप एलटी को देखेंगे तो हमारा प्राइस जो है कंटिन्यू अप ट्रेंड पे है और प्राइस हमारा अपना एक हाई बनाया है लगभग 2200 के रेंज पे। जैसे ही हमारा प्राइस अपना हाई बनाया, यहाँ से हमारा करेक्शन पीरियड शुरू हो गया और हमारा प्राइस जो है कंटिन्यू डाउन ट्रेंड पे है। और हमारा प्राइस अपना एक लो लगाया है लगभग 2100 के रेंज पे और अभी इसका करेंट प्राइस चल रहा है 2109 रुपये का। तो हम वेट करेंगे गाइस अपने प्रीवियस लो को ब्रेकआउट करने का। अगर हमारा प्राइस 2100 के रेंज को ब्रेकआउट करता है, हम इमीडिएट यहाँ सेलिंग का व्यू बनाएंगे, 5 रुपये ऊपर अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे और टारगेट बुक करेंगे हम 10 पॉइंट नीचे। और अगर आपको अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रेल करने आता है तो अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को और ट्रेल कर सकते हैं और बड़े प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं। और गाइस, हमारा मार्केट अप ट्रेंड की ओर भी जा सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो अगर हमारा मार्केट अप ट्रेंड की ओर जाता है तो आपको अपना व्यू नहीं बनाना है, ठीक है। हमारा व्यू रहेगा सेलिंग का और सेलिंग तब करेंगे जब हमारा लेवल ब्रेकआउट होगा। तो और क्यों हम अपना सेलिंग का व्यू बना रहे हैं ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और आपको लेवल समझ नहीं आया तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाइए। तो चलिए हम इंट्राडे के लिए अगला स्टॉक देख लेते हैं। तो गाइस, इंट्राडे के लिए हमारे पास जो अगला स्टॉक है वो है हमारा आईसर मोटर। तो चलिए हम इसको भी थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। तो गाइस, अगर आप आईसर मोटर को देखेंगे तो ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड पे है और अपने एक लो लगाया है लगभग 3200 के रेंज पे अपना लो लगाया है और अभी इसका करेंट प्राइस चल रहा है 3206 रुपये का। तो हम वेट करेंगे गाइस अपने प्रीवियस लो को ब्रेकआउट करने का। अगर हमारा प्राइस 3200 के रेंज को ब्रेकआउट करता है, हम अपना व्यू बनाएंगे सेलिंग का, ठीक है। और 5 रुपये ऊपर अपने को स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है और 10 पॉइंट नीचे हमको अपना टारगेट बुक कर लेना है। और प्रॉफिट आपके हाथ में आ गया तो प्रॉपर अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को ट्रेल करना है और आपको बड़े प्रॉफिट के लिए जाना है। और गाइस, हमारा मार्केट अप ट्रेंड की ओर भी जा सकता है इस वाले रेंज से। तो अगर हमारा प्राइस अप ट्रेंड की ओर जाता है तो आपको अपना व्यू नहीं बनाना है, आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको वेट करना है आपके लेवल को ब्रेकआउट होने का। और हमारा लेवल है लगभग 3200 के रेंज पे, तब तक हम वेट करेंगे अपने लेवल के ब्रेकआउट होने का, ठीक है। और आपको लेवल समझ नहीं आया तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। तो चलिए हम इंट्राडे के लिए अगला स्टॉक देख लेते हैं। तो गाइस, इंट्राडे के लिए हमारे पास जो अगला स्टॉक है वो है हमारा पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। तो चलिए हम पीडीलाइट को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर आप पीडीलाइट को देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा प्राइस जो है एक रेंज पे प्रॉपर होल्ड कर रहा था और अभी हमारा प्राइस अपने एक लो बनाया है लगभग 2525 के रेंज पे अपना लो बनाया है और हमारा प्राइस इस वाले रेंज से अप ट्रेंड की ओर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ दो व्यू होगा, या तो हमारा प्राइस अपने इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट करेगा, तो रेजिस्टेंस लाइन है हमारा 2564 के रेंज पे। अगर हमारा प्राइस 2564 के रेंज को ब्रेकआउट करेगा हम अपना व्यू बनाएंगे बाइंग का, और अगर हमारा प्राइस 2530 के रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो हम अपना व्यू बनाएंगे सेलिंग का। यह हमारा दो रेंज है और अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 2551 का, ठीक है। तो अगर हमारा प्राइस 2530 के रेंज को ब्रेकआउट करता है हम अपना व्यू बनाएंगे सेलिंग का, 5 रुपये ऊपर अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे, टारगेट रखेंगे 10 पॉइंट नीचे। और आपको अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रेल करने आता है तो अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को और ट्रेल करना है और आपको बड़े प्रॉफिट के लिए जाना है। और अगर हमारा प्राइस जो है अपने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट करता है, यानी कि 2564 के रेंज को ब्रेकआउट करता है, हम यहाँ अपना व्यू बनाएंगे बाइंग का और 5 रुपये नीचे अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे और 10 रुपये ऊपर अपना टारगेट बुक कर लेंगे। और अगर आपको आता है अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रेल करने तो आपको प्रॉपर अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को ट्रेल करना है और आपको बड़े प्रॉफिट के लिए जाना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 स्टॉक बताया, तीनों स्टॉक का मैं लेवल टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, तो प्लीज आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। तो चलिए गाइस, बाय। आई होप आपको चीजें समझ आ गया होगा, ठीक है। और इसी टाइप के मैं वीडियोस बनाते रहता हूं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाय।